हेलो दोस्तों, आज हम आ रखे हैं मासू महाराज चालदा महाराज मंदिर समालटा में। आज हम वहाँ जा रहे हैं, तो हम इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि मासू महाराज चालदा महाराज मंदिर पे नाइट में कब कब पूजा लगती है, क्या वहाँ पे कैसे भंडारा होता है और सोने की क्या व्यवस्था है। तो हम इस ब्लॉग में आपको पूरा बताएँगे आज नाइट में, क्योंकि हम आज पूरी नाइट यहाँ रहने वाले हैं। आज रात जागने आ रखे हैं यहाँ पर मासू महाराज प्रांगण में। तो हम आपको दिखाएँगे कि नाइट में कब भंडारा होता है, कहाँ से बिस्तर मिलते हैं और कहाँ रुकना होता है रात को, और कैसे रात जागी जाती है मासू महाराज प्रांगण में। तो आप देख सकते हैं जो ये सामने लोग हैं, यहाँ पे आग ताप रहे हैं, यहाँ आग जली हुई है क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है नाइट में। तो अभी हम महाराज जी के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं मासू महाराज का टेम्पल है समालटा में। तो महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से जाएँगे भंडारा, जहाँ भंडारा चल रहा है भंडारे घर में, थोड़ा भंडारा खाने, और उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम थोड़ा मंदिर में मंदिर से दर्शन दर्शन करने आ रहे करने हैं। के बाद अभी जा रहे हैं खाना खाने, जहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि खाना खा लो, भंडारा बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद कि बिस्तर मिल जाएंगे नाइट के लिए रुकने के लिए। आप ये देख सकते हैं हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, और हम जहाँ भंडारा चल रहा है वहाँ जाएंगे। भंडारा करने के बाद उसके बाद कंबल रजाई वगैरह मिलेगी जो भी, वो लेने के बाद अब पूरी नाइट आज यहीं रहेंगे। उसको ये है जहाँ पे भंडारा चल रहा है उसका रास्ता है, रोड से थोड़ा सा ऊपर यहाँ मंदिर के बैक साइड में। वहाँ पे देख सकते हैं चालदा महाराज जो भंडारे है कितने बजे चलता है, इसमें पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में, तीन टाइम भंडारा चलता है। देख सकते हैं यहाँ पे हाथ धोने का है, हम हाथ धो के आते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप पानी की फुल व्यवस्था है, यहाँ हाथ धोने का है। हाथ धोने के बाद यहाँ से अंदर चलते हैं जहाँ भंडारा चल रहा है, इसमें थोड़ा आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चालदा महाराज भंडारा श्रद्धालुओं के लिए, हार्दिक अभिनंदन स्वागत। देख सकते हैं गाइस, ये लिस्ट लगी हुई कि कौन सा गांव किस दिन भंडारा देगा, यहाँ पे हर गांव की ड्यूटी लगी हुई है। देख सकते हैं थालियाँ वगैरह, हमारे यहाँ CCTV कैमरे वगैरह लगे हुए, भंडारा स्थल है यह भंडारा। हम अंदर जाएंगे दोस्तों, हम अंदर एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं। और यह है भंडारा प्रांगण, यहाँ पे देख सकते हो भंडारा चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप नाइट में भंडारा चल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। देख सकते हैं खीर है, पूरी है, उसके बाद सब्जी है, उसके बाद चावल वगैरह मिलेंगे। भंडारा चल रहा है यहाँ पे, मम्मी पापा जी बैठे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी व्यवस्था है भंडारे की। देखिए लोग बांट रहे हैं भंडारा दोस्तों। अभी मासू महाराज जी का प्रसाद भंडारा खाने के बाद अभी हम थोड़ा सेवा कर रहे हैं मासू महाराज की, और लोगों को थोड़ा खाना खिला रहे हैं, भंडारा बांट रहे हैं, थोड़ा हम भी मासू महाराज की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दाल वगैरह दे रहा हूँ मैं। तो अभी भंडारा करने के बाद अभी हम ताप रहे हैं आग, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे लोग आग ताप रहे हैं, ये जली हुई यहाँ पे मंदिर में साइड में, यहाँ पे आग है, अच्छी व्यवस्था है नाइट के लिए, आग जला रखी है। आप देख सकते हैं सारे लोग ताप रहे हैं आग, ये देखिए अच्छी व्यवस्था है बैठने की, स्टूल लगे हुए। मंदिर से अभी हम ऊपर है यहाँ पे, और ये है सोने की व्यवस्था यहाँ पे, ये रूम नंबर 1 है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग। आप देख सकते हैं अच्छी व्यवस्था है, आज आपने गड़बड़ कर लिया है, यहाँ लगभग 60-70 श्रद्धालु आ जाते हैं, बिस्तर लगे हैं। ये कंबल आपको लेने पड़ेंगे, पर्ची कटानी पड़ेगी। आप देख सकते अच्छे रूम है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम नंबर 2 है, यहाँ से ऊपर जाके ये महिलाओं के लिए है, नीचे रूम नंबर 1 पुरुषों के लिए था।
आपको दिखाता हूँ रूम नंबर टू। आगे देख सकते हैं रूम नंबर टू है, ये महिलाओं के लिए रूम नंबर टू। बहुत अच्छा रूम है, यहाँ भी कम से कम एक साथ 60-70 बिस्तर आ सकते हैं। उस इसके बाद 10 बजे लगेगी पूजा, तो मैं आपको पूजा भी दिखाऊंगा नाइट में कैसे लगती है। अभी धन्यवाद दोस्तों, टाइम हो चुका है अभी 10, तो अब मासू महाराज जी की पूजा लगेगी, इसीलिए हम मंदिर पे आए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ लोग आग ताप रहे हैं, बैठे हुए हैं और आग जली हुई है, क्योंकि बहुत ठंडा है यहाँ पे नाइट में, तो इसीलिए लोग आग ताप रहे हैं। और अब थोड़ी देर में पूजा लगेगी, मैं आपको दिखाऊँगा कि पूजा कैसे लगती है मासू महाराज की। नाइट में 10 बजे लगती है पूजा, और उसके बाद पूजा लगने के बाद फिर मॉर्निंग में 4 बजे पूजा लगती है दोबारा से। पूजा ख़त्म हो चुकी है और मासू महाराज जी के कपाट अभी बंद हो चुके हैं। अब मॉर्निंग में 4 बजे जब पूजा लगेगी, तब उसके बाद पूजा लगने के बाद मासू महाराज जी के कपाट सरदारों के लिए 7 बजे खुलेंगे। और अभी हम अगर कोई सोने जाना चाहता है तो जा सकता है यहाँ से, जब जहाँ बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं। और बाकी अभी नाच गाना चलेगा रात भर, तो हम आपको डांस वगैरह दिखाते हैं। पावड़े नाचे कुड़ी ना।
अभी रात के बज रहे हैं 12, और आप देख सकते हैं जो सामने देख रहे हैं ये गांडवा है, महाराज जी के जो बकरे रहते हैं इसे गांडवे बोलते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के पास ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते रात को भी दिन में भी, ना इन्हें कभी मारना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, और हम यहाँ से अब जाएंगे जहाँ पे हमने बिस्तर वगैरह लिए थे सोने जाएंगे, और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं आग ताप रहे हैं, ये भी थोड़ी देर में सोने चले जाएंगे, आधे यहीं रहेंगे बैठे हुए, पर मैं थोड़ी देर ऊपर चले जाता हूँ बिस्तर में क्योंकि यहाँ ठंडा हो रहा है। अब थोड़ी देर जब पूजा लगेगी मॉर्निंग में 4 बजे, जब प्रभात होगी महाराज जी की, तब आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ महाराज जी के बकरे जिसे गांडवे बोलते हैं, जो यहीं रहते हैं मंदिर पे। ये देखिए आप, ये सारे महाराज जी के बकरे हैं, आप देख सकते हैं। और आधे अंदर इसके अंदर रूम के अंदर ये देखिए, ये महाराज जी के सारे बकरे। एक बड़ा बकरा है वो दिखाता हूँ आपको, पर वो वहाँ है नहीं, आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। ये यहीं रहते हैं मंदिर पे, सारे गांडवे कहीं नहीं जाते मंदिर से। बड़ा बकरा मेरे को दिख नहीं रहा अभी, बड़ा गांडवा दोस्तों। एक ये है महाराज जी का गांडवा, देख सकते हैं। एक दूसरा है वाइट वाला, वो दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा है। जय हो मासू महाराज की। बज रहे हैं मॉर्निंग के 4, अभी लग रही है पूजा मासू महाराज मंदिर ये पाल्टा में। क्या काम करे क्या मतलब मुने दुनिया मोल मुने वास नहीं कर रहा तू तो इस दिन जूस कार ये रोबार का ये सिस्टम बता हमारे जाग माँ हाँ ऐसा होना हमारा भी चाहिए जा हमारा भी ख्याल कर रहा तेरे दुनिया बाइट ना मैं दुनिया बाइट नहीं तू माना कि पायल पुष्टि से बता हमारे अरे हमारा ठाणी महाराज जय हो जय हो। क्या काम करे क्या वचन बने कुबड़े घाटर भीतर से सेव दा हमारे जाग मार हो मरा। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7, और अभी महाराज जी का मंदिर अभी दर्शन के लिए खुल चुका है कपाट,
आप देख सकते हैं दर्शन हो रहे हैं अभी 7 बजे। हम आज पूरी रात यहाँ रहे हैं मंदिर के पास। सुबह 4 बजे महाराज जी के यहाँ प्रभात लगती है और 4 बजे के बाद अभी दर्शन के लिए मंदिर 7 बजे खुला है, तो अभी लोग दर्शन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और एक नाइट में लगती है पूजा और एक शाम को 4 बजे लगती है मासू महाराज की पूजा। अभी दर्शन के लिए मंदिर खुला है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्रद्धालु है। मासू महाराज का मंदिर है, जय हो मासू महाराज की। तो मॉर्निंग में दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे अब घर, और हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। ये देख सकते हैं आप मासू महाराज, जय हो चालदा महाराज। और हम जा रहे हैं यहाँ से अब घर। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर वीडियो में कोई सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अगर अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।